सरकार द्वारा लाया गया कृषि कानून किसानों के हित में है। किसान अभी तक सिर्फ मंडी में अपना माल बेच सकते थे, मगर अब किसान जहां चाहे वहां अपना माल बेच सकते हैं। ये कहना है इंदौर के सांसद शंकर लालवानी का। एमपी न्यूज से खास बातचीत में उन्होंने किसानों को दिलासा दिया और कहा कि कृषि मंडी व समर्थन मूल्य समाप्त नहीं होगा। देखिए इस खास रिपोर्ट में। केंद्र सरकार भारत देश के किसानों के लिए 3 नए कृषि कानून लाई है, जिसको लेकर लगातार विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। पंजाब और हरियाणा के किसान दिल्ली कूच कर चुके हैं और वहां पर वे कई दिनों से धरने पर बैठे हुए हैं। किसानों की मांग है कि केंद्र सरकार इन 3 नए कृषि कानूनों को वापस ले, परंतु केंद्र सरकार के कानून पर जू तक नहीं रेंग रही है। इसी मसले पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं इंदौर के सांसद शंकर ललवानी जी। सीधे जुड़ेंगे उनसे और मुखातिब होंगे। ललवानी जी, आखिर क्या वजह है जो किसान आंदोलन इतना उग्र होते जा रहा है और केंद्र सरकार आखिर क्यों इन 3 नए कृषि कानूनों को वापस नहीं ले रही है? देखिए, सबसे पहले तो हमको ये समझना पड़ेगा कि ये जो कानून है ये किसानों के हित में है, और केंद्र सरकार ने जब ये लोकसभा में राज्यसभा में पास हुआ, पूरा विस्तृत तरीके के सभी राजनीतिक दल के लोग थे, उसमें इस कानून के बारे में बताया। पिछले आज़ादी के बाद जिस प्रकार किसानों की हालत रही है, माननीय मोदी जी, नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने ये निर्णय लिया था, एनडीए ने, कि हम किसानों की आय बढ़ाने के लिए, उनकी समस्या दूर करने के लिए क्या क्या उपाय कर सकते हैं, और उसी में ये महत्वपूर्ण है और बहुत सरल है। मुझे इस बात का समझ नहीं आ रहा है कि जो कभी शरद पवार जी, जो इतने बड़े किसान सहकारिता के नेता हैं, वही उस समय कांग्रेस की सरकार के समय पत्र लिखते हैं कि इस प्रकार का कानून लागू होना चाहिए, क्या कारण है वो आज विरोध कर रहे हैं? और मुझे इस बात की समझ नहीं आ रही कि सरकार ने स्पष्ट कहा है कि अगर आपके कोई सुझाव हो तो हम बातचीत करने को तैयार हैं, हम उसमें कुछ अगर ऐसा लगता हो जो अच्छा किसानों के लिए अच्छा हो सकता है वो करने को तैयार है। सामान्य चीज़ें कि किसान है अभी तक अपना माल सिर्फ और सिर्फ मंडियों में ही बेच सकता था। इस कानून में ये प्रावधान है कि किसान अपना माल मंडियों के अलावा वो जहाँ चाहे वहाँ बेच सकता है, एक शहर में बेच सकता है, दूसरे प्रदेश में भी बेच सकता है। तो किसानों के लिए तो अपॉर्चुनिटी है कि वो चाहे तो मंडियों में बैठे और वो चाहे तो व्यापारियों को बेचे, तो इसमें दिक्कत क्या है ये बात समझ में नहीं आ रही। किसानों को ये डर है कि आने वाले सालों में कहीं ना कहीं कृषि मंडी का अस्तित्व खत्म हो जाएगा, वहीं समर्थन मूल्य का कंसेप्ट भी सरकार दूर कर देगी। वहीं किसानों का ये भी मानना है कि समर्थन मूल्य के चलते जो अतिरिक्त आर्थिक बोझ आ रहा है केंद्र सरकार पर, उससे निजात पाना चाह रही है केंद्र सरकार, तभी कॉरपोरेट कंपनीज को लाया जा रहा है। क्या कहना है आपका इसमें? बिल्कुल ये भ्रम फैलाया जा रहा है। हमारे प्रधानमंत्री जी ने, हमारे कृषि मंत्री जी ने, हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी ने स्पष्ट कहा है कि हमारे जो मंडी का कंसेप्ट है ये समाप्त नहीं होगा। हमारे मुख्यमंत्री जी ने भी स्पष्ट कहा है कि मंडी जैसे है वैसी रहेगी। किसानों को अगर अपना माल मंडी बेचना है तो वो स्वतंत्र है, बेच सकते हैं। जहाँ तक मिनिमम मूल्य का सवाल है, मैं ये बताना चाहता हूँ कि केंद्र सरकार ने लोकसभा में स्पष्ट कर दिया था कि हम जो समर्थन मूल्य है, न्यूनतम समर्थन मूल्य, वो पहले की तरह लागू रहेगा। और मैं बताना चाहता हूँ इस कानून के लागू होने के बाद भी अन्य चीज़ों के भी समर्थन मूल्य सरकार ने घोषित किए। तो आने वाले समय में ये लोग, कुछ लोग भ्रम फैला रहे हैं कि मंडियाँ समाप्त हो जाएगी, उल्टा मंडियों का टैक्स कम किया गया है। आज किसान बेचने जाता था तो किसी किसी मंडी में 2%, 3%, पंजाब में तो, हरियाणा में तो 8-8% लिया जाता था। आप बताइए 8% जो आड़ती दलाल मंडी के लोग लेते थे वो कहाँ से आता था? वो किसानों के जेब से जाता था। तो सरकार ने तो ये जो पैसा मंडियों के, आड़तियों के, दलालों के बीच में जाता था वो किसानों को देने की बात कही है। कहीं भी मंडियाँ समाप्त नहीं होगी, कहीं भी न्यूनतम मूल्य समाप्त नहीं करने की सरकार ने विधिवत घोषणा की है। ये तो कुछ लोग भ्रम फैला रहे हैं और भ्रम के कारण इस स्थिति बनी है। नए कृषि कानून के अनुसार अनाज को असेंशियल कमोडिटी से बाहर कर दिया जाएगा, तो ऐसे में तो कोई भी व्यक्ति इसको स्टॉक कर सकेगा और ऊंचे ऊंचे दामों पर बेच सकेगा, तो कहीं ना कहीं कालाबाजारी बढ़ेगी। वहीं केंद्र सरकार का ये कहना है कि किसान भी स्टॉक कर सकता है, ऊंचे दामों पर अपनी फसल बेच सकता है,
तो मेरा ये कहना है कि छोटे किसान आखिर क्यों फसलों को स्टॉक करेंगे, और उनको तो त्वरित पैसा चाहिए रहता है, तो उनके लिए तो ये कानून बनाया ही नहीं जा रहा है, पूंजीपतियों के लिए बनाया जा रहा है, क्या कहना है आपका? नहीं नहीं, ये बिल्कुल सरासर गलत बात है। आपको बता दें, कभी कभी हमने देखा है कि जब अपार उत्पादन होता है तो किसानों को उत्पादन का मूल्य भी नहीं मिलता है कुछ चीज़ों में। तो निश्चित तौर पे अगर इस प्रकार की प्रक्रिया जो सरकार ने घोषित की है, किसानों को उनका उचित मूल्य मिले, बाजारों को बाजार में उसका मूल्य मिले, इसलिए इस प्रकार की व्यवस्था की गई है, न कि छोटे किसानों को दबाने के लिए। छोटे किसान चाहें तो उनके लिए तो किसी व्यापारी से, जिस प्रकार साउथ में हमने देखा, महाराष्ट्र में कुछ जगह हमने देखा कि वो कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं कि इस भाव में हम बेचेंगे, वो चाहे तो अपने खेत पर उस व्यापारी से, उस जो किसान जो सामान खरीदना जो मंडी का है या और कोई है, उससे सीधा वो कॉन्ट्रैक्ट भी कर सकता है, और वो चाहे तो अभी सरकार से भी लोन लेते हैं खेती के लिए, वो चाहे तो उनसे भी लोन ले सकते हैं। तो ये भी एक व्यवस्था की है, ये भी किसान के लिए एक ऐसा कदम है जिसमें किसान चाहेगा तो उत्पादन की लागत, उत्पादन का मूल्य पहले से ही तय कर देगा कि मेरे खेत पे ये उत्पादन होने वाला है, उसका मूल्य ये रहेगा, और उसके लिए वो कॉन्ट्रैक्ट करके उससे पैसा एडवांस ले सकता है। तो ये तो और सुविधा बढ़ाई है सरकार ने। नए कृषि कानून के अनुसार कोई भी किसान दूसरे राज्य में अपनी फसल बेच सकेगा, उस पर टैक्स भी नहीं लगेगा, तो ये कानून तो अभी भी है, मतलब किसान अभी भी दूसरे राज्यों में बेच सकता है फसल? नहीं, नहीं। और दूसरी बात, किसान आखिर दूसरे राज्यों में जाएगा क्यों, छोटा किसान क्यों जाएगा, उतना तो उसको डीजल लग जाएगा, तो इस कानून का औचित्य क्या है? देखिए, ये समझना चाहिए हमको, इस पर भ्रम फैलाया जा रहा है बहुत सारे। जैसे अभी मैं उदाहरण बता दूं कि हमेशा किसानों को मंडी में ही बेचना पड़ता था, और मंडी में जो उसको मिलता था, उसका मूल्य मिलता था, जब ज़्यादा माल आ जाता था तो उसका मूल्य कम हो जाता था। कभी कभी ऐसा भी हमने देखा है कि एक स्थान पर उस चीज़ का ज़्यादा उत्पादन होने से उसका मूल्य कम मिलता है, लेकिन वही चीज़ दूसरे स्थान पर वहाँ उत्पादन कम होने से मूल्य अधिक मिलता है। हमने हाल ही में देखा, जो हमने किसान रेल चलाई थी, हमारे यहाँ प्याज का मूल्य हो सकता है 10 रुपये किलो मिल रहा हो, लेकिन वही प्याज का मूल्य नॉर्थ ईस्ट में हमने देखा 20-22 रुपये किलो मिल रहा था। तो ये तो किसानों के लिए फ़ायदा है, ओपन मार्केट इसलिए करा गया है और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म सरकार उपलब्ध कराई है कि आप देखें कि आप जो वस्तु उत्पन्न कर रहे हैं, उत्पादन कर रहे हैं, उस वस्तु का सही मूल्य देश में कहाँ है। आप चाहें तो कहीं भी बेच सकते हैं, मंडी में बेच सकते हैं, बाहर बाजार में बेच सकते हैं, दूसरे शहर में बेच सकते हैं, दूसरे राज्य में बेच सकते हैं, और अब तो एक्सपोर्ट की भी व्यवस्था, हम इंदौर में तो कार्गो भी आ गया, एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। तो उस किसानों के लिए तो बहुत सारी अपॉर्चुनिटी है, वो जो चाहे वो कर सकता है। जी हाँ, निश्चित तौर पे। तो ये थे इंदौर के सांसद शंकर ललवानी जी, जिनका साफ तौर पर मानना है कि कृषि कानून किसानों को फ़ायदा पहुँचाने के लिए बनाए गए हैं, परंतु किसानों का यह मानना है कि कृषि कानून पूंजीपति को फायदा पहुंचाने के लिए बनाए गए हैं। बहरहाल, अब ये देखना दिलचस्प होगा कि किसान आंदोलन आखिर कब तक समाप्त होगा। कैमरा पर्सन अरुण यादव के साथ युवराज सिंह पुरावत की रिपोर्ट, MP News, इंदौर।